वेलकम टू फैमिली कुकिंग विद लव। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एबीसी मॉर्निंग डिटॉक्स जूस की रेसिपी। एबीसी जूस एक्चुअली है एप्पल, बीटरूट और कैरेट जूस। सो इन तीनों का ये मिक्सचर है, ये बेस्ट जूस है डिटॉक्स के लिए। ये लिवर के लिए बहुत अच्छा है, किडनी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बेस्ट है, फैट्स को रिमूव करता है, आपकी स्किन के लिए बहुत अमेजिंग है, आपके मेटाबॉलिक रेट को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही अमेजिंग ड्रिंक है। चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स पे नज़र डालते हैं। इसके लिए मैंने लिया है एक एप्पल। एप्पल में विटामिन ए, B1, B2, B6, सी, ई और के, इसके अलावा फोलेट, जिंक, कॉपर, पोटाशियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस भी होता है। सेकेंड इंग्रेडिएंट है बीटरूट। बीटरूट आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें विटामिन ए, सी, बी कॉम्प्लेक्स, आयरन, पोटाशियम, मैग्नीशियम और कॉपर होता है। इसमें लाइकोपेन और एंथोसनाइन है, तो इसका जो पिंक और पर्पल कलर होता है वो इसी से आता है। थर्ड इंग्रेडिएंट है कैरेट। ये आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके अंदर जो मेन कंपोनेंट होता है वो है बीटा कैरेटिन। इसमें भी विटामिन ए, B1, B2, B3, B6, सी, ई और के होता है। इसके अलावा फोलेट, पोटाशियम, कैल्शियम, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा मैंने इसमें स्ट्रॉबेरी ऐड की है, जो कि ऑप्शनल है। इसे बनाना बहुत आसान है, फौरन तैयार हो जाता है। इस जूस को बनाने के लिए तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम ब्लेंडर में बारी बारी शामिल करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे एक ग्लास पानी। साथ ही मैंने इसके टेस्ट को एनहेंस करने के लिए ब्लैक सॉल्ट का इस्तेमाल किया है, ये भी ऑप्शनल है। इसके बाद ब्लेंड कर लें जब तक ये स्मूथ हो जाए। हमारा जूस रेडी है। इस जूस के बेनिफिट्स की बात की जाए तो यह आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट और एनहेंस करता है, वेट लॉस में हेल्प करता है, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा है, बॉडी में रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा आपको एक्नी है, ब्लेमिशेस हैं, तो ये ड्रिंक आपके लिए बहुत बेस्ट है। इस जूस को मॉर्निंग में अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें और फिर इसका रिज़ल्ट देखें। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना फीडबैक हमसे लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।